उज्जैन एसपी सत्यन कुमार शुक्ल के प्रयासों से एक महिला को उसका घर वापस मिल गया। उसके मकान पर एक बदमाश ने कब्जा कर लिया था। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने एसपी से की थी। पीड़ित महिला ने बताया था कि हिस्ट्री शीटर बदमाश उसके मकान पर ताला लगा दिया है। महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया गया और फिर जांच की गई। सीएसपी रविंद्र कुमार वर्मा और पुलिसकर्मी प्रकाश नगर में पहुंचे और जिस मकान पर बदमाश ने कब्जा किया हुआ था उस मकान की चाबी बदमाश से ली गई। बदमाश पुलिस के डर से नहीं आया और चाबी अपने भाई के हाथ सीएसपी रविंद्र वर्मा को सौंप दी। सीएसपी रविंद्र वर्मा ने मकान का ताला खुलवाकर महिला के सुपुर्द किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महिला द्वारा शिकायत की गई थी एसपी साहब को कि उसके मकान पर किसी बदमाश ने कब्जा कर रखा है। शिकायत की जांच के निर्देश एसपी साहब द्वारा दिए गए थे। उसमें हमने जांच करी और पाया गया कि मकान कब्जा कर लिया। उसके बाद जो बदमाश है जिसने कब्जा कर रखा था उससे बात की हमने। बात करने के बाद उस महिला को पुनः मकान माता जी बताइए, आज जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आपको मकान का हक मिला है वापस, आप क्या संदेश देंगे? मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके धन्यवाद करती हूँ सर कि आज उन्होंने मेरा मकान इतने साल बाद पुराना मुझे दिलाया है। मैं उनकी बहुत धन्यवाद कर सकती हूँ। भगवान उनको बहुत अच्छी शुभकामनाएं दें। इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, ये मुकेश भदाले थे, उन्होंने कर रखा था सर इतने दिनों से, मेरे को मकान नहीं दिया, इसके कारण मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। नहीं मैं कदम नहीं उठाती, अगर मेरे को पहले दे देते तो मैं नहीं उठाती। बहुत दुखी हो गई, बड़ी परेशान हो गई मैं, मेरे मजबूर मेरे शरीर में खाने के लिए भी मजबूर हो चुकी थी मैं, पर मेरे को भगवान ने इतनी आशीष दी कि मैं इनसे थोड़ी राह मिली मेरे को। मैं सर के पास गई, वहाँ पे मैंने इनको बताया कि ये बात हुई सर, मेरे को इन्होंने बहुत आशीष दिलाया मेरे को कि आप चिंता मत करो भाई, आपको हम आपका हक दिला के रहेंगे, आप कोई परेशान मत करो, आपको आपका मकान दिला देंगे। बड़ी आभारी, इन्होंने मेरे को मकान दिला दिया। आज उस मकान में मैं रहने के लिए जा रही हूँ। भगवान इनको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे, मैं भी इनको यही चाहती हूँ। भगवान आपसे बहुत परेशान हूँ सर। कितने सालों से कब्जा था? ये साल 2013 से था। 2011 में हमारे पति का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद ये मकान बनाया था। जब से मेरे को ये मकान मिला नहीं सर, आज मेरे को इनकी कृपा से मेरे को मेरा मकान मिल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा जिनवाल है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।